एक बंदा अचानक आ गया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और सीधा साधा बद्दू, इमाम गजाली ने लिखा है, वो आके खड़ा हुआ, सलाम ली और फौरन कोई और बात नहीं की। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कयामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्योंकि उसने हालचाल भी नहीं पूछा, सीधा सवाल ही कर दिया ना, तो किसने हिसाब लेना है। तो हुजूर फरमाने लगे, भाई सीधी सी बात है, हिसाब तो अल्लाह करीम ने लेना है, रब करीम ने हिसाब लेना है। उसने ये लफ्ज़ सुने ना, तो उसके हाथ में रुमाल था, वो उसने कंधे पर रखा और चलने लगा। तो हुजूर फरमाने लगे, सुन तो सही, सवाल पूछा है, जवाब लिया, अब तो जा रहा है। कहने लगा, हुजूर बस इतना ही पूछना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो अल्लाह बड़ा करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो माफ ही करता है, उसने हिसाब लेना तो फिर करम ही होना है। ये कह के वो चला गया। हुजूर खामोश हो गए, मुस्कुराते रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते, हमने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या कर गया, क्या जवाब ले गया, क्या कह गया। हुजूर फरमाने लगे, बंदा सादा था, बात सयानी करके गया।